हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि ऑनलाइन स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे क्यों किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है। NAC जो इस बात को बहुत खास तरीके से देखता है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे क्यों किया जाता है, इसकी दो इम्पॉर्टेंट वजह हैं। पहली वजह यह है कि आपकी अपने कॉलेज के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, उनके पढ़ाने के बारे में क्या राय है, ये जानने की कोशिश की जाती है। और दूसरी बात, आपके अगर कोई सजेशन से आपकी कोई अपेक्षाएँ हैं तो उसको भी ध्यान में लिया जाता है, जिसके ज़रिए आगे चलकर कॉलेज अपने स्तर पर, अपने लेवल पर इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को, टीचिंग को, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। ये एक तरह का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों है, क्योंकि इसी के ज़रिए आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। You can express yourself, your ideas, your views and also your suggestions. इन तीन बातों के लिए बहुत ज़रूरी बात है। ये कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आपको एक लिंक आएगी, इस लिंक पर आपको क्लिक करना रहेगा। इससे एक क्वेश्चनियर खुलेगा, कुछ सवाल रहेंगे और इन सवालों को आपको रेटिंग करना है। रेटिंग कैसे करना है आपको, आप 4 से शुरू करते हो और आते हो अपनी तरीके से पढ़ने के बाद, तो 4 ये सबसे अच्छा वाला रेटिंग है और अकॉर्डिंगली रेटिंग्स आते जाते हैं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे बहुत ही ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इसके ज़रिए आपकी अपने कॉलेज के बारे में, अपने टीचर्स के बारे में, उनके पढ़ाने के बारे में क्या राय है, इसको जानने के साथ साथ आपकी और क्या अपेक्षाएँ हैं, आपके क्या सजेशन से, इसको ध्यान में लेकर हम इस एजुकेशनल सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।